उस मिशन को रोकने के लिए उन्होंने हमारे एक भाई को इन्होंने बलि का बकरा बना करके 35 लाख लोगों को पक्के होने से उनके उनके संवैधानिक अधिकार से वंचित करने के लिए ये इसने केजरीवाल ने मक्कारी वाला काम किया। तो ऐसे जनप्रतिनिधियों को क्या करना है ना, संसद में दिख रहे हैं ना वहां पर पब्लिक में दिख रहे हैं। तो ऐसे प्रतीकात्मक की हमने तुम्हारे किसी वाल्मीकि को टिकट दे दिया है, उसको सांसद या विधायक बना दिया, वो है किस काम के? कितने लोगों को तुमने प्रमोशन दी, कितने लोगों को पक्का करा, कितने लोगों की जिंदगी आपने डिग्निटी पूर्ण बनाई? तो ये तमाम ये सब कोरे वाले हैं, सब आरएसएस के और सारे ये एक हैं बामणवादी मनुवादी, और ये तमाम हमारे मिशन को खत्म करने के लिए कर रहे हैं। हमें अब ऐसे कैंडिडेट चाहिए, ऐसे उम्मीदवार चाहिए जो दम खम के साथ लड़े, और ऐसी विचारधारा वाली पार्टी चाहिए जो बाबा साहब के विचारों को मानती हो, विचारों पर काम करती हो, इस तरह के संगठन हमें चाहिए। तो हमारे बाबा साहब पे चल रहे हैं सिर्फ प्रतीकात्मक बाबा साहब की फोटो लगा के और जय भीम बोल देने से या बाबा साहब की किसी भाषण में तारीफ कर देने से हमारे जीवन स्तर नहीं बदलेगा। आप मत करो बाबा साहब की भैया तारीफ, मत बोलो जय भीम, मत लगाओ फोटो बाबा साहब की, आप हमारे संविधान को लागू कर दो बाबा साहब के, जो की राज्यसभा में भेजोगे 6 साल के लिए गारंटी है, वहां नहीं भेजोगे आप हमारे आदमी को, वहां बनिए ठाकुर बामण वो भेज दिया आपने। वाल्मीकि जाति के एक शख्स को टिकट दिया है, वो भी जनरल सीट से, क्या कहेंगे अज्ञानी जी? अब तो आप लोगों की जो शंकाएं तमाम, जो आप लोग लगातार अपनी वीडियो में बातें कहते थे कि ये लोग जनरल सीट से नहीं देते हैं, ये लोग इन्होंने राज्यसभा सांसद तमाम अदर कास्ट के लोगों को भेजा है और वाल्मीकि जाति को नहीं भेजा है, तो आप क्या कहेंगे? अब तो कहीं ना कहीं ये बात खत्म कर दी उन लोगों ने। देखिए ये तो एक प्रतीक है और जो हमारा मिशन चल रहा है वाल्मीकि समाज को ताकत देने का, और जो अभी बहन जी को हमने प्रधानमंत्री बनाने की बात कही है, और जो अभी 4 दिन पहले हमने बहुजन समाज पार्टी के दिल्ली ऑफिस में 35 लाख लोगों को जो हमने बहन जी से रिक्वेस्ट की है, जो सफाई कर्मचारी जो 20-20 साल 25-25 साल से कच्चे हैं उनको पक्के करने की, तो उससे एकदम से बौखलाहट मच के उस मिशन को रोकने के लिए उन्होंने हमारे एक भाई को इन्होंने बलि का बकरा बना करके पूर्वी दिल्ली से अच्छा वाला विधायक उसको फिर वहां से लोकसभा का टिकट दे दिया, सीट दे दी, और जिससे कि वो हमारे मिशन से लोग भटक जाएं। और हमारे लोग तो जब एक वाल्मीकि एयरपोर्ट के नाम पर भटक सकते हैं तो एक व्यक्ति को आम आदमी पार्टी द्वारा एक सफाई कर्मचारी के बेटे को, वो कह रहे हैं इस तरह से सफाई कर्मचारी का बेटा है, हमने पहली बार जनरल सीट पे दिल्ली से टिकट दिया है, ये कल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और 4 दिन से हमारा वीडियो घूम रहा है, और उस मिशन को, उस 35 लाख लोगों को पक्के होने से उनके उनके संवैधानिक अधिकार से वंचित करने के लिए ये इसने केजरीवाल ने मक्कारी वाला काम। अगर कुलदीप अगर संसद में जाते तो उसमें दिक्कत क्या है? नहीं, दिक्कत तो ये है ना कि विधानसभा में भी थे ना, तो अब कितनी आवाज उठाई सफाई कर्मचारियों के, बताए ना। ये प्रतीकात्मक हंसराज हंस भी थे संसद में ये पिछली इस लोकसभा में, और वो भी 5 साल खराब कर दिए, वहां पर दिखाई नहीं दिए, एक बार एक स्टेटमेंट बोला था उसके बाद दिखाई नहीं दिए। तो ऐसे जनप्रतिनिधियों को क्या करना है ना, संसद में दिख रहे हैं ना वहां पर पब्लिक में दिख रहे हैं। तो ऐसे प्रतीकात्मक की हमने तुम्हारे किसी वाल्मीकि को टिकट दे दिया है, उसको सांसद या विधायक बना दिया, वो है किस काम के? किस काम के हैं? केजरीवाल ने 3 बार ये दिल्ली का तीसरी बार सरकार है ये मुख्यमंत्री, तो और भारी बहुमत से, तो क्यों नहीं पक्के करे भाई सफाई कर्मचारी? तुम दुनिया भर के काम हो रहे हैं और तुमने सफाई कामगारों को पक्का क्यों नहीं करा? डिग्निटी तुमने कहा था 2015 में, इनका घोषणा पत्र जो दूसरी बार टर्म इन्होंने चुनाव लड़ा, इन्होंने कहा कि हम सफाई कामगारों को डिग्निटी की लाइफ देंगे, उनको जो काम करेंगे उनको फायर फाइटर्स जैसी ड्रेस देंगे, अगर उनकी डेथ हो जाती है 50 लाख रुपए देंगे, और तमाम चीजें, उनके बच्चों को पढ़ाएंगे, उनको शिक्षित करेंगे, स्किल्ड करेंगे, प्रमोशंस देंगे। कहाँ पर है, क्या काम किया? कितने लोगों को तुमने प्रमोशन दी, कितने लोगों को पक्का करा, कितने लोगों की जिंदगी आपने डिग्निटी पूर्ण बनाई? तो ये तमाम ये सब कोरे वाले हैं, सब आरएसएस के और सारे ये एक हैं बामणवादी मनुवादी, और ये तमाम हमारे मिशन को खत्म करने के लिए कर रहे हैं। मतलब हमने अगर कोई पार्टी आपको प्रतिनिधित्व दे तब भी आपको दिक्कत नहीं? हमें नहीं चाहिए प्रतिनिधि भाई, हमें दिक्कत तो इस बात की है कि हमें तुम पक्के कर दो भाई, हमें नौकरी दे दो हमारे लोगों को दिल्ली में, हमारे कम से कम 2 लाख से ज्यादा लोग दिल्ली सरकार में और एमसीडी में कच्चे हैं और ठेकेदारी में काम कर रहे हैं जगह जगह पर, वो बेचारे परेशान है 20-20 साल 25-25 साल से। तो ये हम ये कह रहे हैं, अब तो केजरीवाल साहब के पास एमसीडी भी उनके पास है, मेयर भी उनका, दिल्ली के सीएम भी वो, तो भैया यहाँ पक्के कर दो,
अगर यहाँ नहीं कर सकते तो चलो पंजाब में कर दो, वहाँ तो आपकी फुल फ्लेज सरकार है, वहीं कर दो कम से कम पक्के हमारे सारे लोगों को, हमारे ऐसी जो वाल्मीकि समाज के लोगों को जमीनें बांट दो, वहाँ तो फुल फ्लेज सरकार है ना, भूमिहीनों को दे दो जमीनें, उनके लिए बेहतर एजुकेशन की आप व्यवस्था कर दो, क्यों नहीं कर रहे हो? खाली बिल्डिंगें बनाने से काम नहीं चलेगा, टीचर भी भर्ती करने पड़ेंगे और ये इंश्योर करना पड़ेगा कि वाल्मीकि समाज के बच्चे पढ़ें। तो इसीलिए खाली प्रतीकात्मक नहीं, हमें अब ऐसे कैंडिडेट चाहिए, ऐसे उम्मीदवार चाहिए जो दम खम के साथ लड़े, और ऐसी विचारधारा वाली पार्टी चाहिए जो बाबा साहब के विचारों को मानती हो, विचारों पर काम करती हो, इस तरह के संगठन हमें चाहिए और ऐसे नेता चाहिए। लगता है कि मतलब केजरीवाल नहीं मान रहे बाबा साहब की बातों को? नहीं, बिल्कुल नहीं मान रहे। बताओ कहाँ मान रहे? बाबा साहब की बातों को नहीं मान रहे। जो आदमी दारू के वो बेच सकता है, पॉलिसी को, एक्साइज पॉलिसी को खत्म करके सबको लालाओं को बेच सकता है, तो बाबा साहब ने कहा था कि देश को बेच देना, आप भी निजीकरण के उसमें आगे कैट को बेच रहे हो, जो जो एम्बुलेंस होती थी वो कर रहे हो प्राइवेट कर रहे हो, अभी डीटीसी को प्राइवेट होने की बात है, आप क्या कर रहे हो मुझे बताओ ना। आपने एससी एसटी का हमारा रिजर्वेशन अपने जो स्किल्ड एंड एंटरप्रेन्योरियल यूनिवर्सिटी बनी उसमें नहीं लगाया आपने, आप कैसे कर रहे हो? आपने पक्के नहीं करे हमें, तो आप क्या कर रहे हो? और आपने हमारा बजट, फाइनेंशियल बजट, जो एनुअल बजट आता है दिल्ली सरकार का 2020-21 से, इन्होंने हमारा जनरलाइज कर दिया, जो एससी एसटी कंपोनेंट का जो बजट आता था हर साल 1500-1600 करोड़ रुपए आता था, जो हमारे एम्प्लॉयमेंट के लिए होता था, स्किल डेवलपमेंट के लिए, हायर एजुकेशन के लिए होता था, वो सब इन्होंने खत्म करके कन्वर्ट कर दिया किसमें? सोशल बजट में, जिसमें की महिलाएं भी हैं, बुजुर्ग भी हैं, जिसमें की वो फिजिकल हैंडीकैप्ड लोग भी हैं, उसमें हमें जोड़ दिया हमें, जो कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से अलग बजट आता था हर साल। तो ये तो हमारे बाबा साहब पे चल रहे हैं, सिर्फ प्रतीकात्मक बाबा साहब की फोटो लगा के और जय भीम बोल देने से या बाबा साहब की किसी भाषण में तारीफ कर देने से हमारे जीवन स्तर नहीं बदलेगा। आप मत करो बाबा साहब की भैया तारीफ, मत बोलो जय भीम, मत लगाओ फोटो बाबा साहब की, आप हमारे संविधान को लागू कर दो बाबा साहब के, जो हमारे अधिकार है। तभी तो राजनीति और तमाम पूरा देश चल रहा है, सिर्फ उसी के लिए लागू है कि ये विधायक, सांसद, मुख्यमंत्री तो बन करके चुनाव लड़के संविधान के उससे आ जाते हैं, सत्ता सीट पे बैठ करके फिर उसी को तोड़ते हैं। आज आप देखो केंद्र सरकार जो है, मोदी जी क्या चुनाव लड़ करके केजरीवाल की सरकार बन चुकी है और इन्होंने राज्यसभा सांसद किसी दूसरी, हाँ ये बात, राज्यसभा सांसद क्यों नहीं बनाया आप हमें बताओ, क्यों राज्यसभा में रिजर्वेशन नहीं है, राज्यसभा सांसद नहीं बनाया? और तुमसे अच्छा तो हमें लग रहा है कि वो बीजेपी काम कर रही है, बीजेपी ने अभी वाल्मीकि उमेश नाथ संत जी को राज्यसभा से भेजा जबकि वहाँ रिजर्वेशन नहीं है। तुम राज्य जो बिल्कुल आसान है, जो कि राज्यसभा में भेजोगे 6 साल के लिए गारंटी है, वहाँ नहीं भेजोगे आप हमारे आदमी को, वहाँ बनिए ठाकुर बामण वो भेज दिया आपने, क्योंकि आपको 6 मिले वहाँ पर पंजाब में और 3 मिले यहाँ पर दिल्ली में, वो सारे वो ही भेज दिए। एक बताओ, एक वाल्मीकि भेजा क्या? क्यों नहीं भेजा? झाड़ू का निशान हमारा ले रखा, क्यों नहीं भेजा? लोकसभा में नहीं, लोकसभा अलग चीज है, लोकसभा में रिजर्वेशन है इसलिए आप देते हो, और आप जनरल सीट पे इसलिए दे रहे हो क्योंकि पिछली लोकसभा में बहन कुमारी मायावती ने 2019 में जनरल इसी पूर्वी दिल्ली की सीट से संजय गहलोत वाल्मीकि को जनरल सीट पे लड़ाया था। इनका दावा ही झूठा है, ये बिल्कुल झूठ बोलने में नंबर एक है। बहुजन समाज पार्टी इसी दिल्ली में 2019 के चुनाव में पूर्वी दिल्ली से जो आज के सफाई कर्मचारी दिल्ली के जो चेयरमैन है संजय गहलोत को चुनाव लड़वा चुकी हैं इसी जनरल सीट से, इसी पूर्वी दिल्ली से। तो आपका दावा झूठा, लेकिन आप गुमराह करते हो क्योंकि हमारे लोगों की जो वो है मेमोरी बहुत शॉर्ट है, वो अभी अभी थोड़ी देर की हुई बात को वो कल जाके भूल जाएंगे। तो इसीलिए हम कह रहे हैं ये झूठे मक्कार लोग हैं, हमें भाई तुम हमारे लोगों को पक्का कर दो, परमानेंट कर दो दिल्ली में और एमसीडी में, दिल्ली सरकार और एमसीडी में हमारे 2 लाख से ज्यादा सफाई कर्मचारी कच्चे हैं, उनको पक्का कर दो। आपको हमें कुछ सांसद वांसद बनाने की जरूरत नहीं है, एक आदमी को सांसद बना दोगे वो दिखाई नहीं देगा, हमारी आवाज नहीं उठा सकता, वो कहीं आएगा नहीं, तो उसका फायदा क्या है? इसलिए भाई आप तो हमें बनाओ, हमारे लोगों को पक्का कर दो, रोजी रोटी दे दो, हमारे 2 लाख परिवार सुधर जाएंगे, ये हम कहना चाहते हैं। ठीक है जी।